आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के नक्शे से गायब होने वाले 5 शहर। अगली बार जब आप बैंकॉक के खूबसूरत समुद्र के किनारे घूमने जाएं, या वेनिस में नाव की सवारी करें, या फिर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज को देखने जाएं, तब अपने साथ एक अच्छा सा कैमरा ले जाना ना भूलें, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार आने वाले कुछ ही सालों में इन शहरों की फोटो ही एकमात्र निशानी होगी। प्रकृति ने आने वाले 100 सालों में इन शहरों को धरती से लगभग पूरी तरह से गायब करने के लिए ही चुना है, तो तैयार हो जाइए उन शहरों से मिलने के लिए जो आने वाले कुछ ही सालों में इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। नंबर 5, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में मौजूद गोल्डन गेट ब्रिज पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेस माना जाता है, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सैन फ्रांसिस्को में किसी भी समय एक ऐसा भयंकर और विशाल भूकंप आ सकता है जो इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2080 के आने से पहले ही इस शहर में 7 या उससे अधिक मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आ सकता है। नंबर 4, द वेनिस। इस बात में कोई शक नहीं कि वेनिस शहर भी पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। पानी पर बने इस खूबसूरत शहर को द फ्लोटिंग सिटी यानी पानी में तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है। वेनिस शहर इटली देश का एक ऐसा अद्भुत विश्व विरासत शहर है जो अपनी प्राकृतिक और बनावटी दोनों ही सुंदरता के कारणों से पूरे विश्व में चर्चा में रहता है। लेकिन द फ्लोटिंग सिटी यानी पानी में तैरता हुआ यह शहर आने वाले कुछ ही सालों में पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा। पिछले कुछ ही सालों में इस शहर का जल स्तर 10 मीटर तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस शहर का पानी में डूबने का कारण यहाँ की जलवायु में परिवर्तन बताया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में यह शहर पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो जाएगा। नंबर 3, मैक्सिको शहर। मैक्सिको शहर मैक्सिको देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसके साथ ही मैक्सिको शहर एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है। इस शहर की प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहां दुनिया भर से लोग हॉलीडे की छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन ये प्रसिद्ध शहर भी समय के साथ साथ जमीन में धंसता जा रहा है। दरअसल वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये पूरा शहर एक सूखी हुई विशाल झील के तल पर बनाया गया है, जो एक बड़े शहर के लिए बहुत ही कमजोर नींव है। इस समय मैक्सिको शहर 4 इंच प्रति वर्ष धंसता जा रहा है और पिछले 60 सालों में 10 मीटर धंस चुका है, या कहें 10 मीटर जमीन के अंदर डूब चुका है। नंबर 2, बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी होने के साथ साथ वहां का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा लोगों के लिए यह शहर दुनिया के सबसे मशहूर टूरिज्म प्लेसों में से एक माना जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन ये प्रसिद्ध शहर भी अब उन लिस्ट में शामिल है जो आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। यह मशहूर शहर भी अब डूबने लगा है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इसका कारण यहाँ की जलवायु में परिवर्तन बताया जाता है, जिसकी वजह से इस शहर का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भूमिगत ड्रेन भी इसका एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर गुफाएं बनने लगी हैं और यह शहर नीचे धंसता जा रहा है। नंबर 1, द मालदीव। मालदीव एक ऐसा देश है जो 1190 अलग अलग आइलैंडों से मिलाकर बना है। इस जगह की खूबसूरती लोगों को कुछ इस तरह खींचती है कि दुनिया भर से लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। इस जगह की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ हर तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे देश का होता है। लेकिन यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि आने वाले कुछ ही सालों में यह शहर इस दुनिया से गायब हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र स्तर के हिसाब से मालदीव दुनिया के सबसे निचली जगह पर बसा हुआ है
और वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि जिस तरह से समुद्र स्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है उसके हिसाब से आने वाले 50 सालों में ही मालदीव इस दुनिया से गायब हो जाएगा।